कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 का पहला करोड़पति शख्स जिसका नाम है जसकरण सिंह। उसने 1 करोड़ के सवाल का जवाब तो काफी सही दिया, उसके बाद वो करोड़पति भी बन गया, लेकिन 7 करोड़ के सवाल के आगे अपने घुटने टेक दिए। जसकरण सिंह जो पंजाब के रहने वाले हैं और सिर्फ 21 साल के हैं, उन्होंने केबीसी 15 में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। दरअसल 1 करोड़ के सवाल का जवाब देने के बाद वो करोड़पति तो बन गए, लेकिन जब उनके सामने आया 7 करोड़ का सवाल तो जसकरण सिंह ने हार मान ली। दरअसल वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद उन्होंने गेम को क्विट करना सही समझा, क्योंकि अगर वो उस सवाल का जवाब गलत दे देते तो वो सीधा काफी लो अमाउंट पर आ जाते, जो शायद काफी ज्यादा डम डिसीजन होता। और यहीं जसकरण सिंह अपनी समझदारी से खेलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने शो को क्विट करना सही समझा। आपको बता दें, 1 करोड़ के लिए पूछा गया सवाल काफी इंटरेस्टिंग था। उनसे पूछा गया था कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी, तब भारत के वॉइसरॉय कौन थे। ऐसे में इस सवाल का सही जवाब देकर वो करोड़पति तो बन गए, लेकिन जब उनसे पूछा गया 7 करोड़ के सवाल में कि अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण विच किंग हैड टू लिव एज अ टाइगर फॉर 100 ईयर्स ड्यू टू अ डियर्स कर्ज, तो यहाँ उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। इस सवाल का उनको सही जवाब नहीं पता था। इस सवाल का सही जवाब ना देने की वजह से उन्होंने 1 करोड़ जीतना ही सही समझा और उसके बाद वो अपने गांव वापस चले गए। जसकरण की बात करें तो जसकरण पंजाब के खालड़ा गांव से हैं, बॉर्डर के पास है ये गांव, जो काफी ज्यादा छोटा है। और उन्होंने खुद बताया था कि उनके गाँव में सिर्फ 20 से 21 लोग ही ग्रेजुएटेड है और उनमें से एक है वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 21 साल उनकी उम्र है। ऐसे में वो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के पहले करोड़पति बन गए हैं। दोस्तों, जसकरण सिंह इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने आने के लिए काफी मेहनत की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनने के बाद वो किस तरह से देश में चेंजेस लाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अमिताभ बच्चन ने तो उन्हें भर भर कर बधाइयां दी हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या कुछ है कहना जसकरण सिंह के लिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।